विंडीज के कप्तान बोले कि इन दो बल्लेबाजों को जल्द आउट किए बिना जीत संभव नहीं। नमस्कार। भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला 14 अगस्त 2019 को क्वींस पार्क ओवल त्रिनाद में भारतीय समय अनुसार 7 से खेला जाएगा। दोनों ही टीमों के बीच खेला गया पहला मुकाबला बारिश के कारण अनिर्णित समाप्त हुआ, जबकि दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। डकवर्थ लुईस के नियम के अनुसार भारतीय टीम 69 रनों से जीतने में सफल रही। दोनों ही टीमों के लिए ये मुकाबला अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय टीम ये मुकाबला जीतकर इस वनडे सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी, तो वही वेस्टइंडीज की टीम इस मुकाबले में जीत के साथ वनडे सीरीज को बराबर करना चाहेगी। इसी बीच वेस्टइंडीज के कप्तान कॉलिन ब्रैथवेट का बड़ा बयान आया है। पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि भारत के विरुद्ध जीत के लिए आपका पहला प्रयास क्या होगा, तो उन्होंने कहा, निश्चित रूप से भारत का एक मजबूत साइड है और इस टीम से जीतने के लिए आपको हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करना होगा, परंतु बल्लेबाज इनका सबसे मजबूत पक्ष है। रोहित और विराट का विकेट सबसे महत्वपूर्ण है। यदि इन दो बल्लेबाजों को जल्द आउट कर लिया जाए तो इस टीम से मैच जीता सकता है। इन दोनों के आउट किए बिना जीत संभव नहीं हो सकती। जैसा कि आपने देखा पिछले मैच में श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी की। इसके अलावा भारतीय गेंदबाजों में भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की। भारतीय टीम का हर हिस्सा बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है और इस प्रकार हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय टीम मुकाबला जीतने में सफल रहेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।